उपवास के लिए आज हम बनाएंगे ये एक पैकेट से साबूदाना वड़ा। इसका नाम है गृहिणी रोयाल साबूदाना वड़ा मिक्स पैकेट, जो मुझे मिला है मार्केट में। नेट वेट इसका 200 ग्राम है और इसका प्राइस है 65 रुपीज़ इसका प्राइस है दोस्तों। और इसमें आप बना सकते हैं कम से कम 20 वड़ा हम इस पैकेट से बना सकते हैं। तो बनाने की विधि पे डायरेक्शन पीछे इस पैकेट में दिया गया है हिंदी में और इंग्लिश में कैसे बनाना है। इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे साबूदाना, पोटैटो पाउडर, क्यूमिन सीड और रॉक सॉल्ट इसमें दिया है। तो इस मिश्रण से ये बना है साबूदाना और आलू के पापड़ दोस्तों। साबूदाना और आलू के पापड़ से और जीरा और रॉक सॉल्ट से ये मिश्रण बना हुआ है। तो आप व्रत के दिन इस पैकेट से आप अपने लिए वड़ा बना सकते हो। उसमें सभी कुछ मिक्स है, पानी की सहायता से इसका हमें बैटर तैयार कर लेना है। तो दोस्तों ये जो गृहिणी का पैकेट है आसानी से आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन में भी आप चाहोगे तो आपको मिल जाएगा। और इसे मैंने ओपन कर लिया, इसमें देखेंगे आप तो ये देखिए बारीक साबूदाना इसमें दिया गया है और जो ये आप देख रहे हैं पपड़ जैसा ये आलू का बना हुआ मिश्रण है ये। तो जो साबूदाना है वो बारीक दाना है। इसमें पानी से आप इसे तैयार करोगे इसका बैटर, तो आपको काफ़ी देर तक इसे रखना है ताकि साबूदाना अच्छे से फूल जाए। और पैकेट में दिया गया कि आपको जो पसंद है वो चीज़ें आप इसमें मिला सकते हो। थोड़ी हरी मिर्च समार अगर आप व्रत में लेते हैं तो आप इसको मिला सकते हो। बाकी नमक हमें इसमें मिलाना नहीं है क्योंकि नमक मिर्ची सब दी गई है। तो अगर आपको तीखा पसंद है तो इसलिए आप लाल मिर्च भी ले सकते हो। आज मेरा व्रत नहीं है इसलिए मैंने ये लाल मिर्च भी ले लिया है। पैकेट से हम चाहे तो शाम के टाइम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, अगर व्रत नहीं है तब भी हम इसे बना सकते हैं, इसलिए मैं आज बना रही हूँ। इसमें लिखा है कि 400 ml पानी हमें इसमें मिलाना है। ध्यान रखिएगा कि पानी आपको थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि इसमें साबूदाना है और उसको भीगने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालकर आपको बैटर तैयार करना है। और इसमें लिखा है इस पैकेट में कि आपको 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देना है, रेस्ट देना है इसे। तो 20 मिनट के बाद आप चेक करें कि साबूदाना इसमें जो दिया गया है वो फूला है या नहीं, और अगर नहीं फूला है तो फिर से आप इसमें आपको पानी डालना होगा, ये आपको ख्याल रखना है। नहीं तो जब आप वड़ा बनाओगे साबूदाना फूला नहीं रहेगा तो आपको वड़ा अच्छा नहीं लगेगा और फिर कड़क कड़क साबूदाना आपके मुँह में आएगा दोस्तों, इसलिए ख्याल रखिएगा। क्योंकि मैंने ना इस बैटर तैयार करने के बाद मैंने इसे 20 मिनट के लिए रखा था दोस्तों, तो बाद में मैंने देखा कि साबूदाना भीगा नहीं था अच्छे से, तो मैंने फिर से पानी इसमें मिलाया तो लगभग मुझे 2 से 2.5 गिलास पानी लगा है। इसके बैटर को रेस्ट देना पड़ा है मुझे बहुत देर तक, और मैंने इसे कम से कम आधा घंटे के लिए रख दिया था बाद में। तो आपको 20 से 25 मिनट के लिए रखना ही है दोस्तों पानी अच्छा भरकर। इसमें 2 गिलास से ज़्यादा पानी आपको लेना है और इसे आपको फिर 20 से 25 मिनट के लिए ढककर रखना है, नहीं तो साबूदाना फूलेगा नहीं, फिर आपको बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो आप चेक करने के बाद ही आप फ्राई करें। जब आप देख लें कि साबूदाना फूल चुका है, हाथों से आप देखें दबाकर फूट रहा है, तभी आप फिर इसका वड़ा बनाना शुरू करें। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो ये बैटर अच्छा मैंने रख दिया था काफ़ी देर के लिए, तो फूल चुका है इसलिए मैं आप बनाने जा रही हूँ वड़ा इसका। हम पहले वड़ा बनाने के लिए हम हाथों में पानी लगा लेंगे और पानी लगाने के बाद इस तरह से हम तैयार कर लेंगे वड़ा का शेप। वड़ा का शेप हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें कर लेना है छोटे छोटे साइज़ में, यहाँ पर मैंने बना लिया है। तो इस तरह से हम मीडियम साइज़ के वड़ा बनाएंगे, वड़ा का शेप बना लेते हैं इस तरह से। और इसके बाद अब हम करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए तेल को पहले आपको गरम कर लेना है और गरम करने के बाद हमें इसमें वड़ा को हम डालेंगे। जैसे ही हम डालते हैं दोस्तों वैसे ही आपको टर्न करते जाना है। और पहले मैंने तेल को पहले अच्छा गरम कर लिया था, उसके बाद ही मैंने इस टिक्की को डाला है, नहीं तो आप अगर कुनकुने तेल में डाल देते हो तो ये फूट जाएंगे, इसलिए अच्छा गरम तेल कर लेना है आपको, उसके बाद ही आपको फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट के लिए आपको इसे तेल में फ्राई करना होगा, दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा होने तक हमें फ्राई करना है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने 4 डाले थे फ्राई करने के लिए, देखिए कितने अच्छे फ्राई हो गए हैं।
और कलर कितना अच्छा दिख रहा है अभी, और ये फूल भी गए हैं और टेस्टी भी दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। मैंने बना लिए हैं दोस्तों, और अभी कुछ बचे हैं बैटर। आप चाहे तो बैटर को फ्रिज में भी रख सकते हो, अगले दिन भी अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। और ये देखिए बढ़िया सा मैंने वड़ा बनाया है, और ये जो वड़ा है बहुत ज़्यादा टेस्टी है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये पैकेट मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस वड़ा में अगर आप साथ में लेते हो मीठी दही तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको। फिर ये तो व्रत के टाइम तो ये बहुत बढ़िया सा ये पैकेट है हमारे लिए जो मार्केट में हमें मिल रहा है इस टाइम। और इसका जो प्राइस है वो भी बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, 65 रुपीज़ का है। तो एक पर्सन या फिर दो पर्सन के लिए तो बेस्ट है ये। तो इस वीडियो में इतना ही है, अगर अच्छा लगा है लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।